नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के स्टूडियो में। अभी के स्टूडियो में जो पेंशन धारक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे पेंशन धारकों के लिए यह खबर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ दोस्तों, इस खबर के साथ आप अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में अपडेट निकल कर आ रहा है, तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संदर्भ में ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है पैसों की तंगी से जूझ रहा है प्रदेश, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तक आई खतरे में। तो जी हाँ दोस्तों, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, तो इस पेंशन योजना के तहत जो पेंशनर्स है, तो उनका पेंशन का भुगतान जो है वो नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन रुक गई है, जबकि मध्य प्रदेश में इस पेंशन को पाने वाले की संख्या तकरीबन 42 लाख है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए हर माह करीब 250 करोड़ रुपए की बजट की जरूरत पड़ती है, जो 21 श्रेणियों में दी जाती है। यह राशि सभी 21 श्रेणियों के पात्र हितग्राहियों को मिलती है, जो 14 अप्रैल तक खाते में नहीं पहुंची। वही चर्चा ये भी है कि सरकार के पास बजट नहीं होने के कारण पेंशन के भुगतान में देरी हुई है, जबकि पेंशन रुक जाने से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी परेशान हो रहे हैं। आगे यहाँ पर जो पेंशन के रुक जाने का मामला है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दरअसल हर महीने की 1 से लेकर 5 तारीख के बीच मिलने वाले ये पेंशन इस बार यानी मार्च की 12 अप्रैल तक खातों में नहीं पहुंची, जबकि इसके ठीक बाद 13 और 14 अप्रैल को शनिवार और रविवार यानी 2 दिन अवकाश पड़ गया, जिसके चलते अब ये पेंशन सोमवार के बाद ही आएगी, ये साफ हो गया है। सूत्रों की माने तो आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को मार्च महीने की पेंशन के लिए बजट जुटाने में समय लग रहा है, इसके कारण तय तारीखों में पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। जबकि सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष के कारण पेंशन भुगतान में समय लग रहा है, बजट की कोई कमी नहीं है, बिल लगा दिए गए हैं, जल्दी ही पेंशन का भुगतान हो जाएगा। तो जी हां दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में जो पेंशन जमा होती है, तो 12 अप्रैल तक भी यह पेंशन जो है पेंशन धारकों के अकाउंट में जमा नहीं हुई है, और उसके बाद ठीक 13 और 14 अप्रैल को शनिवार और रविवार आने की वजह से 2 दिन का अवकाश पड़ गया, जिसके चलते अभी यह जो पेंशन है वो सोमवार के बाद ही आएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। साथ में यहाँ पर जो सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी है, तो उनका कहना है कि नए वित्तीय वर्ष की वजह से पेंशन का भुगतान में देरी हो रही है, बजट की कोई कमी नहीं है, बिल भी लगा दिए गए हैं, जल्दी ही पेंशन का भुगतान किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि भोकाल के जाटखेड़ा क्षेत्र में रहने वाली निवासी कृष्णाबाई ने बताया कि उनकी माता जी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 300 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। फरवरी की पेंशन के बाद मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई है। कृष्णाबाई का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए करने की घोषणा करने वाली सरकार पूर्व से मिल रही पेंशन तक समय पर नहीं दिलवा पा रही है। आगे यहाँ पर जो ग्वालियर के नदीपार टाल में रहने वाली 91 वर्षीय रामवती बाई है, तो उनका कहना है कि उन्हें भी अभी तक पेंशन नहीं मिली है। वह कई बार बैंक का चक्कर लगा चुकी है। पिछले माह उनके खाते में महीने के शुरू में ही पेंशन की राशि आ गई थी। आगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए वर्ष के पहले दिन ही गैस पीड़ित बुजुर्गों ने पेंशन और राशन नहीं मिलने से कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठ गए थे। इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी। धरना दे रहे पीड़ितों ने कलेक्टर के आते ही घेराव कर दिया। उस समय भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निराकरण करने के आदेश भी दिए थे। इस संबंध में गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने से वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाएं परेशान हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत महीने की 1 से लेकर 5 तारीख के बीच पेंशन का भुगतान होना चाहिए। तो जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ये पेंशन धारक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अपनी पेंशन का भुगतान लेते हैं,
तो ऐसे पेंशन धारकों की पेंशन की अमाउंट जो है वो अभी भी उनके खाते में जमा नहीं हुई है। इसके वजह से यह जो पेंशन धारक है तो वो परेशान है और यहाँ पर जो है वो उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के सामने भी धरना प्रदर्शन किया था। तो इसी के बारे में जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ली। वही यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि नए वर्ष की शुरुआत की वजह से पेंशन के भुगतान के लिए देरी हो रही है, पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके लिए बिल भी जारी कर दिए हैं, जल्दी ही पेंशन का भुगतान हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संदर्भ में ये जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।